तो अक्षय तृतीया का दिन आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश ने गन्ने के रस का आहार दिया था, उसी दिन से अक्षय तृतीया का पर्व चला आता है, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। लेकिन इसके आधार से लोगों ने बहुत विपरीत मान्यताएं पुष्ट करी। एक सामान्य बात थी, कोई ऐसी बात नहीं है। आहार तो ना जाने कितने मुनिराजों ने किया मिला होता ही है और अभी भी हो रही है अब। लेकिन वो आदिनाथ के समय में विशेष इसलिए हो गया कि भैया बहुत समय तक आहार नहीं मिला था, कोई आहार की विधि नहीं जानता था, तो एक दिन फिर आहार की विधि मिल गई, हो गया आहार, बस इतनी सी बात है और तो कुछ नहीं है। लेकिन गन्ने का क्यों दिया, इसमें भी गन्ने का क्यों दिया ये तो मुझे पता है। गन्ने का सीजन अभी भी गन्ने का तो सीजन है, गन्ने का रस मिल रहा है। अब अगर आम का दे दे तो आप पूछते आम का ही क्यों दिया। अब ठीक है, ये है अपने पास वैज्ञानिक बैठे वो कह रहे हल्के की पैसे क्या वाले आदिनाथ को पछता नहीं था, ऐसा तो मैं नहीं मानता। अरे यार सीधी सी बात है, अब गन्ने का दिया किसी का दिया दे दिया, कोई उससे क्या लेना देना। मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछा करो, फिर मैं भी गन्ने को उखाड़ के फेंक दूंगा, छोड़ो तुम। अरे ये तो वही है फिर, मुर्गी हुआ के अंडा, मुर्गी हुआ के अंडा, अकल बड़ी के भैंस, तुम इन्हीं गाँव में लगे जाओ। अब और राजा श्रेयांश से नहीं क्यों दिया। अब यार इसका तो कोई जवाब नहीं है। अब दो और दो चार ही क्यों होते हैं, होते हैं अब क्या करूं मैं आगे चलो। तो क्या कह रहा था मैं कि लेकिन वो अक्षय तृतीया पे भी लोगों को आते हैं ना, सोना खरीद लो, ये खरीद लो, फलाना खरीद लो, ये खरीद लो, ये सब है ना, फिर बढ़िया रहता है, सो रहता है, फलाना रहता सब खेल में। अब ये सब चल रहा है दुनिया में, अब वो कुछ दम नहीं बातों में। अरे भाई तुम्हारा जब मन करे सोना तब खरीद लो, आज के समय में जब भी खरीदोगे तब सुबह समझ में, क्योंकि बढ़ता ही है घटता है ही नहीं, तो क्या सोच रहा, जब पैसा हो तब खरीद लेना है ना। लेकिन ये सब इन तरीके की मान्यताओं में, और देखो ये कभी मत सोचना कि ऐसा क्यों होता है। देखो भाई संसारी जीव है, मोह से ग्रसित है, लोभ का साय प्रबल है, तो इसलिए वो तो सब उपाय खोजते रहते हैं। शनि मिल जाए, कोई देवता की कृपा दृष्टि मिल जाए, पैसा मिल जाए, कोई मंदिर में ऐसी मन्नतें पूरी होती हो तो वहाँ ले चलो, किसी को बेटा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए चाहिए संसार में संसारी जीव, और वो बेचारा घूम ही रहा है तो जो जैसा बता देता है कि आज अक्षय तृतीया है आज ले लो, और तो जाइए इसी में दे दो। कोई कह देता आज फला है एक काम कर लो भैया कर लो, शनि देवता है आज एक रुपया चढ़ा दो चढ़ा देता है, क्या है इनमें। कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा पाप है, ये तो डरे हुए लोग हैं बेचारे, क्या करें। जो जितना डरा होगा वो उतना ऐसी स्थितियों में जाएगा, उसमें क्या है। अब देखो गजब एक बात बता दो, गांव देहातों में इतने भूत घूमते हैं, इतने भूत लगते हैं, शहरों में नहीं लगते इतने भूत। गांव देहातों में हर तीसरे आदमी को भूत लग जाता है। अब गजब की बात है कि भूतों को शहर पसंद नहीं आता क्या, लेकिन भाई गाँव में अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। एक बात खाली अज्ञानता नहीं, फ्री बहुत है, फ्री इतने हैं कि पूछो मत, तो मैं भूत पैदा कर लेते बैठे बैठे। और दिल्ली में आदमी, बम्बई में आदमी, चेन्नई में आदमी, कलकत्ता का आदमी इतना बिजी है कि यहाँ भूत मिल भी जाए तो कहेंगे यार बाद में मिलना, अपन बाद में बात करेंगे बाजार। और वो शहर के आदमी, वो गाँव के आदमी बैठे हैं खेत पे, खेत कट गया कुछ काम तो होता नहीं, हम तो पक्के खेत गांव में रहे हमें सब पता है। अब चार किसान कोई ज़्यादा काम नहीं करता, घबराना नहीं, किसान बहुत फ्री रहता है, फसल बो दी अब फसल आएगी बस क्या करें, बैठ के देखता रहता बस उसको यही करना है, पानी दे दिया एक पानी हो गया, फिर एक महीने बाद दूसरा पानी दे दिया हो गया फसल, अब जब कटेगी तो कटेगी। और वह कटने के बाद तो तीन चार महीने तो बिल्कुल ही फ्री घूमते हैं, सो वो क्या करते हैं, अब घूमने के नाम पर बेचारे कहाँ जाए, सो वो खेतों में घूमते हैं अपने,
ख्याल में है ना। अब खेतों में घूमेंगे इन भर दोपहरिया में तो लू लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वहाँ लू ना लग के क्या लग जाता है, भूत। बुखार आ गया तो भूत। सब्र के कहाँ गया था, वहाँ गया था, अरे वहाँ तो भैया वहाँ तो एक घूमता ही है वो ही लग गया। और वहाँ हर चौराहे पर भूत डिसाइड है, सबके एरिया बंधे हुए हैं, है इस जगह इतने भूत रहते हैं, इस जगह इस भूत रहते, इस गली में ये भूत रहता है। हम जब गांव में रहते थे कई तरह के भूत रहते थे, ख्याल में है कि नहीं है, वो लगते रहते थे लोगों को, ठीक है कि नहीं। ओके अब देखो बात, भूत भगाने वाला कौन, भूत भगाने वाला कौन है, क्या बोलते थे वो पापा, चार हाथ को चोतरा और जे पे धरी बबूत रे, सारे गांव के गुनिया हार गए और चमरों ने भगाए भूत रे। मैं जाता था उसमें गांव के मेला में, तो गुनिया इकट्ठे हो, मुझे बड़ा मजा आता था। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ थी, ना मुझे भूतों से डर लगता था, ना मुझे किसी, मुझे मजा बहुत आता था। मैं तो उनके साथ वो गाते थे ना ये दीवार, इसको दीवार दिवाली कहते, गाते थे, तो मैं भी सीख जाता था, गाता था मैं भी, मुझे गाने का शौक। तो जब गाय तो मज़ेदार बात है, वो चमार का पानी नहीं पिएंगे, उससे 10 कोस दूर की दूरी रखेंगे, दूर दूर, और जब भूत लग जाएंगे तो उसे घर में घुसा लेंगे, आज आओ भाई आओ आओ आओ, फिर भूल जाते हैं कि ये कौन है, ये तो जगत का स्वरूप है। और मैं उनसे पूछो कि जय क्यों भगाता है, कि भैया जी छोटी जाति के भूत भी डरता है इनसे। जैसे अपन नहीं कहते, अरे इनसे कौन मुँह लगे, है जे भैया जे शराबी जुआरी को से कौन मुँह लगे, अपन कहते ना ऐसे भूत भी समझते हैं, कितने छोटे आदमी से भाई कौन मुँह लगे। ये जगत में ऐसे पागलपन है, मुझे तो हंसी छूटती है जगत के जीवों को देख के, क्या चलता रहता है। तो देखो भैया, ये दया दान पूजा इत्यादि ये सब अंदर से समझ लो, ये डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर, इसलिए दान दो। जिसको अभी मंदिरों में भी दान देने की स्थिति क्या है हमारी, किसी ने कह दिया कि इसमें दान दो तो ज़्यादा पुण्य लगता है, नहीं देखा तुमने, तो लोग देखो उसी में दान देने लगते हैं। इससे पता चलता ना डरे हुए लोग हैं, इनको दानवान से कोई मतलब नहीं है, किसमें ज़्यादा माल मिलेगा, इसे अपन शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते कि नहीं, वो कौन सा बढ़ने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही है कि किसमें ज़्यादा लगेगा ये बताओ। कि किसी ने कह दिया देखो मोक्षों का पुण्य अलग है, देखा तुमने अरन महाराजों वालों के पुण्य की कैटेगरी अलग है, उनके यहाँ सारा पुण्य काय में लगता है, सारा पुण्य के महाराज की सेवा करो, महाराज को हार कराओ, बस इससे ज़्यादा दुनिया में कोई दूसरा पुण्य नहीं। अब मोक्षों के यहाँ जाओ तो इनके यहाँ पुण्य बदल जाता है, इनके यहाँ कहते शास्त्र छपवाओ, इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं है, और शास्त्र पढ़ाओ इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, स्वाध्याय परम तपा, ये वाले ये लोग इस तरफ के ग्रुप वाले जे वाले इस युक्तियाँ खोज खोज के लाते हैं कि स्वाध्याय की प्रशंसा कहाँ कहाँ करी गई, वे लोग वाले शास्त्रों में वो चीज़ खोजते हैं कि आहार की प्रशंसा कहाँ कहाँ करी गई, मंदिर बनवाने की प्रशंसा, एक मंदिर बनवाना करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है एक मंदिर बनवाने से, इसलिए लोग मंदिर हमारे गांव में जरूरत नहीं थी तो ही बना दिया, ख्याल में आया कि नहीं, कि क्यों, कि हमें पुण्य से मतलब है, तो भैया यहाँ पूजा करने वाला है कोई नहीं, हम बाहर से रख देंगे, लेकिन मंदिर बना, सारी दुनिया में जो मंदिर क्यों बनते हैं आपको पता है, सोचा कभी जैनियों में इतने मंदिर क्यों बनते, क्योंकि ये मान्यता प्रबल कर दी एक मंदिर बनाने से जन्मों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता, बहुत पुण्य बनता है। तो भाई साहब बस नहीं चलता जैन समाज का ना, हर दूसरी गली में दो जैन मंदिर खड़े कर, वो कर ही रहे वो तो लगे ही है। और फिर एक और मान्यता कि प्रतिमा विराजमान करने में इतना पुण्य लगता है, तो भाई साहब एक वेदी में 50 प्रतिमा, वेदी इतनी सी, इतनी छोटी प्रतिमा इतनी बड़ी इतनी बड़ी कर दी बिल्कुल विराजमान। अब आदमी एक को भी ढंग से नहीं देख पा, क्योंकि उसे लगता है अरे ये वालों को तो मैंने देखा ही नहीं, इन वालों को नहीं देखा बाकी के तो रह जाएंगे, तो सबको देखने के चक्कर में एक को भी ढंग से नहीं देखता। ये नहीं समझ में आता कि जो प्रतिमाएं हैं और सब भीतर आता है, एक को देखो तो
50 को देखो तो, लेकिन 50 बैठी हो तो सही बताओ क्या करते हो, कोशिश करते 50 ही को देख ले, करते कि नहीं करते। अब जब गुड्डा गुड्डी जैसा खेल नहीं है, दिमाग नहीं लगाते कि क्या कर रहे हैं, अभी किसी को कह दो तो मैं पापी सिद्ध हो जाता, इतनी तो प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी बात काटता कोई नहीं कि गलत कह रहा है, कह तो मैं सही रहा हूं, मुझे पता है कि सच्चाई है। अब वो ऐसी एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, तीन प्रतिमा, चार प्रतिमा, ओ भाई इतनी पूरे प्रतिमा प्रतिमा, अब वो आदमी देखना क्या करता है, नमो, अब ऐसे चक्कर लगाता जा रहा। अब मैं आपसे कहता हूँ सही बताओ, इसकी जगह एक ही प्रतिमा होती और आदमी वहाँ 10 मिनट खड़ा रहता तो फायदा ज़्यादा होता कि नहीं होता, फायदा ज़्यादा है, 10 मिनट एक जगह खड़ा होता, उपयोग एकाग्र होता, शांति से दर्शन करता। अब तुमने 100 कर दी और 100 का विकल्प रहता है तो फिर वो क्या होता है, और फिर ऐसे इधर उधर भी देखते चले। और कई लोग बहुत ज़्यादा महान होते तो ऐसा लिया कवर हो गए सब कवर करने में लगे दूर से ही, कोई बच नहीं जाए, मतलब मुझे सच बता रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसा नहीं करूँ, देख लो हमने कहते हैं ये स्वच्छंदी है ना, हम दे जाते, ये इतने दूर से कर लेता है दर्शन, क्या करूँ, उसमें रखा क्या है, क्या रखा है बताओ। अगर मुझे वीतरागता का भाव भाषण है, मुझे पता है वीतरागता माने क्या, तो क्या रखा वहाँ, क्या देखना चाहे थे वो, तो यहीं में देख लो तो क्या फर्क पड़ता है, मंदिरों में जाओ बाहर प्रतिमाएं, उसके अंदर प्रतिमाएं, फिर और प्रतिमाएं, तीर्थ क्षेत्र वगैरह के मंदिरों पर जाओ, अखी बड़ी प्रतिमाएं भैया ने अभी वो बना है, क्या बना है वो, अरे वो बड़े गांव में, हे भैया तो पाक क्या कर रखा है, चाहे जहाँ प्रतिमा रख दी उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या कहूँ, बोल रहे और सारी दुनिया इसी काम में लगी, अरे क्या कोने कोने में घुसा दी, हाथ भी ना जाए आदमी का कहीं भी, क्या कर सकते हैं, अब बनाने वाले तो स्वर्ग चले गए और यहाँ नरक बना गए, क्यों, क्या भैया तुम यहाँ देखो अब करो, कैसे पता मुझे, हर किसी के बारे में पता है, यहाँ किसी बातें करते हो, स्वर्ग के अलावा कोई कहीं नहीं जाना, सब सब सेट है कि नहीं, हाँ तो बात समझ लो भैया शांति से, तुम्हें इतना पक्का बनना पड़ेगा। मेरे प्रवचन से कई लोगों को तकलीफ होती है मुझे पता है, लेकिन वो तकलीफ अगर वो झेल जाएंगे तो काम बन जाएगा, तुम निकल जाओगे। देखो भाई ये पंत संप्रदाय, ये क्रिया कांड से तुम्हें ऊपर उठना ही पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार ये सब व्यर्थ की चीज़ें, पागलपन नहीं करना पड़ेगा आपको, दुनिया की नकल नहीं करना है। अगर आपको असल में ज्ञानी होना है तो नकल से असल पैदा नहीं होती, असल में ज्ञानी होना है तो असल ज्ञायक तत्व को ही जानना पड़ेगा।